हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिस्क कॉर्नर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एलन ट्रूमैन ब्लो ब्रश के बारे में। ये 6-in-1 ब्लो ड्राइंग एंड ब्लो स्टाइलिंग टूल है, प्लस डेमो भी शेयर करने वाली हूँ एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स, और मैंने काफ़ी बार इसे यूज़ किया है सो मुझे कैसे लगा वो भी आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। यह है एलन ट्रूमैन से ब्लो ब्रश इन ब्लैक कलर। इसमें 2 लेयर ब्रिसल्स दिए हुए फॉर इफेक्टिव ब्लो ड्राई, 2.5 मीटर कॉर्ड दिया है एंड 360 डिग्री फुल स्विवल कॉर्ड दिया है फॉर टैंगल फ्री स्टाइलिंग एक्सपीरियंस, और 3 टेम्परेचर एंड एयर फ्लो सेटिंग है इसमें फॉर डिफरेंट हेयर स्टाइल्स एंड हेयर टाइप। इसे होल्ड करना ईजी है एंड लॉन्गर टाइम तक हम इसे होल्ड करके रख सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और इसका वेट है 359 ग्राम एंड ईजी हो जाता है हमें ब्लो ड्राई करना। ब्लो ड्राई कैसे करना है? सबसे पहले बालों से पानी नहीं गिरना चाहिए, जैसे हेयर को जो वॉश करने के बाद पानी गिरता है वैसे हेयर में इसे ब्लो ड्राई नहीं करना है। हेयर से टॉवल ड्राई कर लेना है, देन अप्लाई हेयर सीरम। आपके पास जो भी सीरम है, लिवॉन है लिवॉन अप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर लिव इन कंडीशनर है वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर टैंगल फ्री हेयर। हीटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो हमें हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे अप्लाई करना है। देन बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देन सेक्शन वाइज हमें जैसे हम स्ट्रेटन करते हैं उस तरह से, एंड इसका प्राइस है 3,499 रुपीज़ और मैंने इसे नायका से परचेस किया है और इस पर ऑफ चलते रहता है। अभी नायका पे 30% ऑफ दिखा रहा है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। थोड़े थोड़े हेयर लेना है और स्लोली स्लोली करना है, अंदर की तरफ से इसे बाहर लेकर आना है बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि हमारे हेयर जो है ड्राई होने बाकी है तो इस तरह से करना है। एंड थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें क्योंकि मेरे हेयर कर्ली एंड वेवी टाइप के हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें है, और जिनके हेयर स्ट्रेट है उनके लिए तो मैजिक की तरह वर्क करेगा। हेयर ड्राई भी फास्ट हो जाएंगे एंड हेयर स्ट्रेटन भी हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें स्लोली स्लोली करते हुए फर्स्ट सेक्शन कर लेना है और देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, फ्रिज फील लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं एंड स्ट्रेटन भी लग रहे हैं, स्ट्रेट हो गए ऐसे लग रहे हैं। देन इसी तरह से हम सेकेंड साइड के जो है हेयर वो भी कर लेंगे। इस ब्लो ब्रश में हेयर फंस जाते हैं, हेयर फॉल भी होता है। थिन हेयर है तो लो टू मीडियम पे सेटिंग रखना है, अगर मेरी तरह कर्ली हेयर है तो उन्हें हाई पर ही करना पड़ेगा एंड हेयर के हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हीटिंग टूल को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती बट इसे क्लीन करना होगा इस तरह से। देन आप देख सकते हैं हेयर कितनी स्मूथ शाइन आ गई हेयर में एंड स्ट्रेट लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। काफ़ी इजी है इसे ब्लो ड्राई करना एंड लाइट वेटेड है ये, और ब्लो ड्राई होने के बाद हेयर को थोड़ा सेट करने के लिए हम जैसा कॉम ब्रश यूज़ करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं इसे। बहुत अच्छे से हो गए हेयर, ड्राई भी हो गए हैं एंड स्ट्रेटन भी लग रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर आप हेयर देख सकते हैं, मेरे कर्ली कर्ल लग रहे हैं एंड 15 मिनट ही लगे इसे मुझे ब्लो ड्राई करने में एंड स्ट्रेटन भी हो गए हैं, स्मूथ शाइनी फ्री लग रहे हैं। तो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं इसमें। सो माई रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट एलन ट्रूमैन ब्लो ब्रश, वर्क अच्छे से करता है बट मुझे ओके ओके टाइप लगा है। इफेक्ट जो है स्टे नहीं करता, एक दिन भी स्टे नहीं करता है, और मैंने तो हेयर जो है कर्ली वेवी टाइप के हैं तो शाम तक तो वेव्स आ गए एंड रात तक तो कर्ल भी हो गए हेयर, तो एक दिन भी वो का इफेक्ट जो है स्टे नहीं करता है। एंड टॉवल ड्राई करके गीले बालों में करना पड़ता है और काफ़ी पास से करना पड़ता है, वो उसकी हीट जो है हमारे स्किन पर भी आती है एंड हेयर पर भी आती ही है, तो वो अच्छा नहीं है डेली बेसिस पे यूज़ करना। हेयर जो है काफ़ी डैमेज हो सकते हैं हीट से, सो ओकेजन वाइज आप करते हैं तो ठीक है बट हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो है वो अप्लाई करना ही होगा हेयर पर। तो कोई भी हम हीटिंग टूल यूज़ करते हैं तो हम अप्लाई करते ही हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, तो इसमें तो करना ही है। मुझे ओके ओके टाइप लगा और रेगुलर बेसिस पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर बाल सुखाना ही है तो मैं तो एयर ड्राई कर लूँगी या फिर आपके पास ब्लो ड्रायर होगा, ओनली सिर्फ ब्लो ड्रायर,
तो आप थोड़ा डिस्टेंस पर रख कर वो भी उससे भी हम हेयर जो है ड्राई कर सकते हैं। और स्ट्रेटन करना है तो स्ट्रेटनर तो इज़ द बेस्ट, तो स्ट्रेटन करने के लिए स्ट्रेटनर ही अच्छा है। इससे जो है स्ट्रेटन हेयर नहीं होते, और मैंने इसे काफ़ी सारे जो है रिव्यू सुने थे और देखे भी थे। नायका से मैंने ये परचेज़ किया है, तो नायका पे भी काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ थे। सलून लाइक हेयर जो है हो जाते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओनली ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट आता है, वो भी थोड़े स्ट्रेटन लगते हैं, फ्रिज फ्री एंड शाइनी लगते हैं, बट कुछ ही देर लगते हैं वो, और इवनिंग तक सब जैसे हमारे हेयर हैं वैसे हो जाते हैं वो। अगर आपके पास ब्लो ड्रायर है एंड स्ट्रेटनर है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, उतना ये इफेक्टिव नहीं है जैसे कि हम सोच रहे कि कर लेंगे तो स्ट्रेटन हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेट जिसके हेयर है तो उनके लिए ठीक है कि बस सेट कर लिया और हो गया, बट कर्ली वेवी इस तरह के फ्रीजी हेयर है तो उनके लिए ये नहीं है, शाम तक वैसे ही हो जाएंगे जैसे है, तो दैट्स ओके ओके टाइप। अगर हाँ, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसा है ये एंड मुझे कैसा लगा यूज़ करने के बाद, सो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको परचेस करना है या नहीं करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।